हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद सिमर। आज मैं आपके साथ कड़ा प्रसाद की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। कड़ा प्रसाद हमने कई बार गुरुद्वारे में खाया है और सभी इस रेसिपी को बहुत रिलिश करते हैं। कई लोग इसको आटे का हलवा भी बोलते हैं। तो आज मैं आपके साथ वो सभी बातें शेयर करूँगी जिससे हमारी रेसिपी बहुत टेस्टी बनेगी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। एक कप चीनी, अगर आप कम मीठा खाते हैं तो चीनी को अपने हिसाब से डाल सकते हैं। आधे कप से 3/4 कप तक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए। मैं एक कप चीनी डाल रही हूँ। एक कप आटा, कड़ा प्रसाद बनाने के लिए मोटा आटा चाहिए होता है और अगर वो अवेलेबल नहीं हो तो आप नॉर्मल घर का आटा भी ले सकते हैं। एक कप घी, अगर आप ज़्यादा घी पसंद नहीं करते हैं तो आप घी को मेल्ट करके एक कप में ले सकते हैं जिससे घी कम लगेगा। और 2.5 कप पानी ले लीजिए। सबसे पहले हम एक कंटेनर में पानी लेंगे और उसमें चीनी डाल देंगे। हमें इसे चाशनी नहीं बनानी है, बस चीनी पानी में मेल्ट हो जानी चाहिए। अब हमें एक पैन में घी डाल लेंगे। फ्लेम को हम मीडियम टू लो पर ही रखेंगे। अब हम इसमें आटा डाल लेंगे और उसी फ्लेम पर स्टर करेंगे। दस मिनट के बाद आटे का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। आटे को हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। ज़्यादा या कम भूनने से इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। जब आटे का कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें से अच्छी फ्रेग्रेंस आने लगेगी और इसका टेक्सचर ग्रेनी यानी दानेदार हो जाएगा। अब हम इसमें शुगर सिरप को ऐड कर लेंगे। इसे हम ध्यान से थोड़ा थोड़ा कर डालना शुरू करेंगे क्योंकि इसमें एकदम से बबल्स आने शुरू हो जाते हैं। आटा सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। थोड़े टाइम तक स्टर करने के बाद पैन के कॉर्नर से घी रिलीज होना शुरू हो जाएगा। जब ऐसे घी दिखना शुरू हो जाए तब हम गैस को ऑफ कर देंगे। और हमारा कड़ा प्रसाद अब रेडी हो गया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।